वालेकुम, मैं हूँ सर अहसन अब्दुल्ला पटेल। आज मैं आप लोगों को एप्टीट्यूड के हवाले से स्ट्रेट लाइन का टॉपिक पढ़ाऊंगा। कुछ बेसिक्स याद रखें। कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाता है, और पॉइंट के अंदर जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा कहते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। दो पॉइंट से बनने वाली लाइन, या ये कहा जाए कि दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, वेयर एक्स वन वाई वन इज़ द फर्स्ट पॉइंट एंड एक्स टू वाई टू इज़ द सेकेंड पॉइंट। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये क्वेश्चन है 2,3 और -5,4, तो हमने इसको एक्स वन वाई वन और इसको एक्स टू वाई टू लेना है। एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे, हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 49 प्लस 1 50, 50 का मतलब है 5√2। जनाब दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं 2,3 5,y, डिस्टेंस दिया हुआ है 5, और हमसे कहा जा रहा है कि y की वैल्यू निकालो। हमसे ये भी कहा जा सकता है कि फाइंड द ऑर्डिनेट इफ़ द एब्सिसा इज 5। डिस्टेंस हमने 5 रखा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। जनाब 5 − 2 का होल स्क्वायर मतलब 9, y − 3 का होल स्क्वायर ना खोलें तो बेहतर होगा, 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि रूट हटाना है हमें, ये 9 उधर जाकर माइनस हो जाएगा 16। तो जनाब जहाँ से जब y − 3 का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, जब आप प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो y = 1 आएगा, और जब आप माइनस के साथ सॉल्व करेंगे तो y = 2 आएगा। तो 3 इधर जाके प्लस होगा तो ये 7 आएगा, ठीक, और वो वैल्यू y की 2 आएगी। फर्दर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।